गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर गोवा में भाजपा के एकमात्र वो नुमाइंदे हैं जो पिछले 18 सालों में भाजपा को कई बार इस राज्य में शासन करने का मौका मुहैया कराते रहे हैं। संसद की 2 और 40 विधानसभा सीटों वाला ये छोटा सा राज्य पश्चिम भारत में गुजरात और महाराष्ट्र के साथ खड़ा भाजपा का वो कंधा है जो भाजपा को पिछले कई सालों से सत्ता में इतराने का मौका देता है अपने एकमात्र सूत्रधार मनोहर पर्रिकर की बदौलत। मगर जब से मुख्यमंत्री पर्रिकर को कैंसर हुआ है तब से भाजपा डरी हुई है इस सवाल के साथ कि पर्रिकर के बाद गोवा में कौन। भाजपा को समझ में नहीं आ रहा कि पर्रिकर के रसूख और कद का नेता वो गोवा में कहां से लाए और गोवा में सरकार कैसे बचाए। तकरीबन 20 लाख की छोटी सी आबादी वाले इस राज्य में पर्रिकर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के पास 40 सदस्यीय विधानसभा में कुल 23 विधायक हैं, जिनमें से भाजपा के 14, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 3, गोवा फॉरवर्ड पार्टी के 3 और निर्दलीय 3 विधायक हैं, जो कुल बहुमत 21 से महज 2 सीट ही ज्यादा है। ऐसे में 2017 में 16 सीट पाई कांग्रेस के लिए दावेदारी ठोकना बहुत मुश्किल नहीं होगा। 2017 में राज्यपाल मृदुला सिन्हा के चलते कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सरकार नहीं बना पाई थी, क्योंकि सिन्हा भाजपा की बड़ी नेता रह चुकी थी और भाजपा के हितों की रक्षा के लिए उन्हें गोवा में राज्यपाल बनाकर भेजा गया था, जिसका निर्वहन सिन्हा ने बखूबी किया और जोड़ तोड़ के नाम पर विधायकों को एकजुट करने वाले पर्रिकर को सरकार बनाने वास्ते आमंत्रित कर दिया। 2017 में पर्रिकर तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने, मगर अब जबकि पर्रिकर कैंसर से जूझ रहे हैं और सक्रिय नहीं है, भाजपा अधर में है और कांग्रेस उम्मीद से। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस राज्य में सरकार बनाने के लिए दावेदारी ठोक रही है। कांग्रेस की दावेदारी में दम इसलिए भी नजर आ रहा है क्योंकि गोवा देश के उन राज्यों में शुमार है जहां नजर हटते ही सरकार के गिरने का सिलसिला शुरू हो जाता है। भाजपा के पास पर्रिकर नाम का ट्रंप कार्ड है, मगर बीमारी से ग्रस्त इस ट्रंप कार्ड ने भाजपा के माथे पर शिकन ला दी है। भाजपा सोच में है, इस सोच के साथ कि बिना पर्रिकर गोवा में भाजपा सरकार का क्या होगा। कांग्रेस चिल्ला रही है, अब की बार कांग्रेस सरकार। एनटीआई पॉकेट टीवी के लिए नीरज वर्मा की रिपोर्ट। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।